नमस्कार दोस्तों, विकास दुबे 2020 का सबसे बड़ा चूतिया आदमी निकला, आदमी या फिर गधा। जब उसे पता था साला 2020 एक वायरस की तरह आया है जिसने पूरी दुनिया की लगा के रख दिया है, तो उसे क्या जरूरत थी यूपी पुलिस के साथ अपनी गांड मरवाने की। अरे भैया, जब तुझे पुलिस वाले अरेस्ट करने आए थे तो तू चुपचाप अरेस्ट हो जाता, और जब तू यूपी में इतना बड़ा बाहुबली था तो एक आधा दिन में आराम से छूट जाता। ओ सॉरी, अब मैं किसको बोल रहा हूँ, अब तो तू अल्लाह को प्यारा हो गया विकास दुबे। ऊपर से तो तू देख ही रहा होगा, अब ये गलती बेटा दोबारा मत करियो, खास तौर पे यूपी में, क्योंकि यहाँ पर योगी जी बैठे हुए हैं तुझ जैसे गैंगस्टर का काल बनकर। विकास दुबे की मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब इस गांडू ने इतना बड़ा कांड कर ही दिया था तो सरेंडर ही हो जाता, शायद आज जिंदा होता। शायद ऐसे ही वक्त आने पर विनाश काले विपरीत बुद्धि कहावत सटीक बैठती है। और तो और, बंदे का जिगरा माइंड और बातचीत तो देखो, साले ने यूपी में 2-3 दिन मजे में गुजार दिए और योगी सरकार को भनक तक नहीं लगी, और जब तक पता चलता तब तो फुर्र से मिस्टर इंडिया की तरह अपना फुटबॉल जैसा पेट लेके गायब हो जाता। विकास दुबे के पीछे 4 से 5 राज्यों की पुलिस और 100 से ज्यादा पुलिस की टीमें लगी हुई थी, फिर भी ये लोग उसे पकड़ने में नाकाम थे। और तो और, वो गोलू मोलू सा विकास दुबे 3 राज्यों को फांद कर उज्जैन पहुंच गया, जिन 3 राज्यों की पुलिस भी उसे तलाश रही थी। वाह हमारी इंडियन पुलिस, तुम एक मामूली से गैंगस्टर को नहीं पकड़ पा रहे हो तो आतंकवादियों क्या घंटा पकड़ोगे। फिर विकास दुबे उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर पहुंचने के बाद सोचता है, अब तो महाकाल मुझे बचा ही लेंगे, और क्यों ना मैं अपने आप को यहीं पर पुलिस के हवाले सरेंडर कर देता हूँ, क्योंकि बेचारा अपने 9 महीने के बच्चे को पेट में लेकर भागते भागते थक गया था। और भागकर जाता भी कहाँ, उसे पता तो था ही कि मेरा मेरे साथियों की तरह एनकाउंटर हो जाना है अगर मैंने सरेंडर नहीं किया तो। और बंदा चौड़े में चिल्ला चिल्ला के बोलता, मैं ही हूँ विकास दुबे कानपुर वाला। अबे लोल्लू, तेरे तो दुनिया भर में पोस्टर लग रहे थे, तेरे को चिल्लाने की क्या जरूरत थी, तेरे को तो बच्चा बच्चा ही पहचान लेता। सरेंडर होने के बाद बंदे ने सोचा, अब तो मैं बच गया और कोई ना कोई जुगाड़ निकाल कर बाहर आ जाऊंगा। लेकिन वो शायद भूल गया था कि योगी जी भी नेक्स्ट लेवल के खिलाड़ी हैं, और रोहित शेट्टी की फिल्म की तरह गाड़ी उल्टा पुल्टा कर फिल्मी स्टाइल में उसका इनकाउंटर कर दिया, और बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया। लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जय हो योगी जी। दोस्तों, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह और मस्त मस्त वीडियो आपके लिए लाता रहूं।